పొగద్రాగుట మద్యం సేవించుట ఆరోగ్యానికి హానికరం. సిగరెట్ స్మోకింగ్ అండ్ ఆల్కహాల్ కన్సంప్షన్ ఇస్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్. हमें ना कोई कल क्रेजी प्लान बनाना होगा. ये तो चाय से भी हॉट है रे. हाँ यार, मैंने तो उसे कभी कॉलेज में नहीं देखा. ये ना पक्का मेडिकल कॉलेज से होगी. ए, पता लगा ना. ब्रह्मा मेडिकल कॉलेज. hey, ये तो मेडिकल कॉलेज की है. अरे वाह, क्या बॉडी है, क्या फिगर है तेरी. ये तो आलिया भट्ट लग रही है बिल्कुल, है ना. हाँ यार बिल्कुल, मेडिकल कॉलेज की लड़की हमेशा खूबसूरत होती है. इंस्टाग्राम प्रोफाइल पिक्चर की तरह कितनी मस्त बॉडी और फिगर भी तेरा. दूर रहो चोरों. किसकी हिम्मत हुई हमारे मेडिकल कॉलेज की लड़कियों छेड़ने की? अरे अरे अरे, क्या प्रॉब्लम है? अरे तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है क्या? तुम लोग हमेशा मेडिकल कॉलेज की लड़कियों की रैगिंग करते हो और उन्हें परेशान करते हो. हम यही करते हैं तो क्या कर लेगा. क्या चाहिए तुम लोगों को? क्या हुआ, क्या चाहिए तुम लोगों को? उन्होंने हमारे कॉलेज की लड़कियों को छेड़ा है. तुम चारों चलकर अभी उससे माफी मांगोगे. सॉरी. तुमने उसकी रैकिंग क्यों की है? बस माफी मांगनी है, है? सिर्फ ये चारों ही नहीं, हम सब भी चलकर माफी मांगेंगे. ठीक है? हाँ ठीक है. मैं वो पैक खत्म कर लेता हूँ फिर चलते हैं, क्या कहते हो? अच्छा ठीक है. ठीक है. ए, तुम लोग बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो. भाई यहाँ पर बहुत डर लग रहा है. रुक जा, कुछ नहीं होता. देखो बाउंसर भी यहाँ पर है, मुझे डर लग रहा है. ए, तू टेंशन मत ले, बस मुझे फॉलो करो. ओके Thank you.
अरे भाई देखा क्या गिटार है यार। देख भाई जरा इमेजिन कर, बीच पर हजार फॉरेनर्स के साथ अगर ये गिटार बजाएंगे तो क्या मजा आएगा, फील ही अलग होगी यार। अरे यार तुम तो कमाल हो। ए भाई मैंने फिक्स कर लिया, मैं गिटारिस्ट ही बनूंगा। अपना इरादा मत बदल यार। अरे यार मुझे लगता है कि ऊपर कुछ तो अजीब हो रहा है, चल चलते हैं। आजा आजा। अबे असली जिंदगी यही तो है। अरे यार हमें रोज ऐसी पार्टी करने को मिल जाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। वो देख वाह क्या जिंदगी है भाई उसकी, उसके चारों ओर लड़कियां हैं, शराब है और भाई वो पैसे भी बना रहा है। ए भाई मैं डीजे बनूंगा, डीजे बढ़िया है ना। तुमने तो कहा था तुम्हें गिटारिस्ट बनना है। वो ऊपर है ये नीचे है, मैं डीजे ही बनूंगा, फिक्स कर लिया मेरे। मस्त लाइफ है यार। ए भाई वहां कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है देख रहे। Hi gorgeous. Can we join? Sure. हम पहले मिले हैं। हाँ, हम प्रीति की कॉकटेल पार्टी पर मिले थे। ओके और तुम? क्या हम पहले मिले हैं? हाँ हमारा मिलन अभी अभी हुआ है। रूम पे चलना चाहोगे क्या? हम दोनों साथ करना ना। ठीक है गेम शुरू करें। और वाओ पोल डांसिंग करो, हमें अपने मूव्स तो दिखाओ। फनी अरे इसमें बहुत मजा आ रहा है, बस खेल ही आ रहा है। चलो फिर स्पिन करते हैं। ट्रूथ ऑर डेयर? मैं तो हमेशा डेयर ही लेता हूँ। ओके सो डेयर ये है। Hi mom. Hi Shekhar mama. Hi Vinod chacha. Hi Sarika mami. Hey, मुझे इतनी इज्जत क्यों दे रहे हो? बैठो यार। ये क्या है? तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? चले गए पॉप्स। चले गए कहाँ? लड़कियों ने मांगे तो दे दिए। तुमने उन्हें लड़कियों को दे दिया? अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हें रात में सनग्लासेस की जरूरत क्यों है? स्टाइल है पॉप्स। बेहुदा स्टाइल, निकाल के फेंको इसे। मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, तुम्हारे कॉलेज तो कल से शुरू हो रहे हैं तो ये लोग तुम्हें विश करने आए, ये क्या है? पॉप्स मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, मैं पढ़ाई छोड़ रहा हूँ। तो क्या करोगे? मैं डीजे बनूंगा, बड़ी बड़ी म्यूजिकल पार्टी में प्ले करूंगा। तुम्हें छोड़ो बड़ी रास्कल। लेकिन क्यों पॉप्स? तुम्हें गिटारिस्ट बनना था तो तुमने मुझसे गिटार खरीदवाया, क्या उसे तुमने एक बार भी बजाया? नहीं, अब तुम्हें डीजे बनना है। कल तुम आकर कहोगे कि मुझे एक्टर या फाइटर बनना है। तुम्हें अपने फ्यूचर को लेकर कोई क्लैरिटी है भी कि नहीं? तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, कॉलेज जाओ और पढ़ाई करो। पढ़ाई करके क्या उखाड़ लूंगा पापा? अगर पढ़ाई करोगे तो फिर टॉप करोगे। अगर तुम मिस्टर श्रीनिवास के बेटे की तरह टॉप करते हो तो तुम सुर्खियों में होगे, गांव में हर कोई तुम्हारी अचीवमेंट के बारे में बात करेगा। अरे क्या पापा हमेशा एक ही कहानी सुनाते हो, इन्हें देखिए ये सारे मेरे लिए आए हैं। कम कम माय होमीज लेट्स टेक अ सेल्फी। आइए आइए। अरे हंसिए यार, बहुत हो गया, चलो अब सो जाओ, कल कॉलेज जाना है। पॉप मुझे कॉलेज नहीं जाना है। वो बिल्कुल अपने नाना के जैसा है। गोलकीपर बॉल विक्रम को पास करता है। विल मुझे तो उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस लग रहा है, मुझे लगता है कि इस बार वो दूसरा गोल करके रहेगा। बहुत ही स्ट्रेटेजिकली खेल रहे हैं कैप्टन विक्रम, बॉल उनके कंट्रोल में है, उसने बॉल तरुण को पास किया है। चलो लगता है इस बार गोल होके रहेगा, लेकिन तरुण ये क्या कर रहा है? हे भगवान वो शॉट करने वाला है, गोलकीपर से रोक देता है। तो क्या ये विक्रम के लिए एक भारी गलती साबित होगी? तो चलिए देखते हैं। गोल! फ्रांसिस की दूसरा गोल करके 2-1 से मैच जीत जाती है। बदकिस्मती से विक्रम की टीम हार गई। मैंने तुझे इसलिए नहीं मारा कि हम मैच हार गए और ना ही गोल करने की वजह से, क्योंकि मैं हार गया, मुझे हारना बिल्कुल पसंद है। तो जरा जाकर प्रैक्टिस करो और अच्छे से खेलना, समझ गया ना?
उन्होंने हमें लड़कियों के कपड़े पहना कर डांस करवाया। उन्होंने हमें सनी लियोन की तरह डांस कराया यार। भिश्वा ने अपने हाथ पार कर दिया है। उसने 4 साल पहले बीटेक खत्म किया और खुद को डॉन समझता है। तुम्हें क्या वो विक्रम से ज्यादा बड़ा डॉन लगता है? चल विक्रम, चल के साले की गांड में उसका सबक घुसेड़ के आएंगे। चल, अगर तुम्हें बदला लेना है तो बैट विकेट की जरूरत नहीं, बस आइडिया की जरूरत। और इस बदले की आग को बुझा दे और देखना, सही वक्त आएगा फिर हम बताएंगे उन्हें। ए, मेरे पापा ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। सुबह सुबह उठा के कॉलेज जा करते। अरे क्या रखा है कॉलेज में, क्या हो जाएगा कॉलेज जाने से? अरे कॉलेज में बहुत सारी लड़कियां होंगी, पता तेरे को। तुम्हें कोई पसंद आए तो बात कर लेना। अगर हम बोर हुए तो कॉलेज गोल करके सिनेमा पहुंचेंगे, और अगर फिर भी मन नहीं भरता तो हम बाहर जाकर ड्रिंक कर लेंगे, ठीक है? अब बताओ मुझे, घर पे होते तो ये सब कर पाते हम? ऐसा ही क्या? अरे हाँ सही कहा यार, तुम बस देखते जाओ सब कुछ, मैं हूं ना तेरे साथ। कितना टाइम लगेगा? पूरे 35 किलोमीटर हो चुके हैं। ये भाई थोड़ा गाड़ी आगे लेना। क्या बे? अबे लेना यार। क्या हमें उसे टीज करना चाहिए? उसे पता चला तो वो हमें मार डालेगा। तो किसी जूनियर को कहते हैं, देखो किसी को। हे डेनिम शर्ट, ओए हीरो। मैं क्या? हाँ हाँ इधर आओ। कौन सा ईयर है? फर्स्ट ईयर में हूँ भाई। जाओ ये लेटर उस लड़की को दे दो और कहना कि मैंने दिया है। कौन सी वाली भाई? वो ब्लू ड्रेस वाली को। लड़की का नाम क्या भाई? देखो वो तुम्हारी सीनियर है, उसे मैडम कहो, काव्या मैडम। काव्या मैडम। अच्छा तो भाई ये लेटर में क्या है? ये लव लेटर है। लव लेटर है? भैया भैया आप बहुत अच्छे हो भैया, आपका शुक्रिया। हाँ भैया थैंक यू। हेलो काव्या। हाँ उसकी मम्मी का प्लान। चलो देखते हैं। ए, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को लेटर दे रहा है। ये क्या है? प्रेम पत्र। लव लेटर है। कौन से ईयर से है बे? तुझे देखा नहीं कभी। फर्स्ट ईयर, अभी तो आया। फर्स्ट ईयर से है तो यहाँ पर क्या कर रहा है? मेरी क्लास कहाँ पर है वही ढूंढ रहा था मैं। आगे सीढ़ी है, वहां से ऊपर जाना, थर्ड फ्लोर पर राइट साइड में सेकंड क्लास। अच्छे से पढ़ना बेटू। ओके गुड लक। हेलो कंप्यूटर साइंस भी वहीं पर है क्या? अरे क्या हुआ भाई, मैंने ऐसा क्या बोल दिया? ए, मेरा बैग क्यों खोल रहे हो? अरे बेटा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लेगेसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ए कॉलर छोड़ बे।
ओके 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 ओके, लगता है तुम सभी ने मुझे मारने का पूरा मन बना लिया है। तो फिर एक सेकंड रुकना, कॉलेज का पहला दिन है तो मम्मी ने नई शर्ट दिलाई थी, अगर ये फट गई तो उन्हें बुरा लगेगा। आ जाओ, आओ लड़ते हैं। अरे देखो देखो देखो, ये लोग तो आपस में ही लड़ रहे हैं। मुझे देखने दो। भाई ड्रोन के पास ले जाओ, थोड़ा थोड़ा। वो मेरा दोस्त अक्षय यार। मेडिकल स्टूडेंट? नहीं भाई, वो हमारे कॉलेज से ही है। शिट, विश्वास। Stop it!
कॉलेज में के LIC इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मिलकर वहाँ पर राइड्स मचा कर रखी हुई है। Hey, ये क्या किया तुमने? वो क्या है? तुम बस के ऊपर क्यों? वो भी कॉलेज के पहले दिन? आपने कहा था ना पॉप्स के न्यूज में आ जाओ, आ गया मैं। लो मुझे सबसे टॉप पर जाने को कहा था ना आपने, तो फिर सबसे टॉप पर मैं ही तो खड़ा हूँ पॉप्स। सभी मुझे फॉलो करने चाहिए बोला था ना, इस कर्तव्य की वजह से इंस्टाग्राम पे 500 फॉलोअर बढ़ गए मेरे जी। देखो देखो गाँव वाले मेरे बारे में बात करना चाहते हैं। पॉप्स जो कुछ आपने कहा मैंने एक दिन में करके दिखाया कि नहीं दिखाया? दिखाया ना, तो फिर आपको प्राउड होना चाहिए ना पॉप्स। वो बिल्कुल अपने नाना की तरह है। मस्ती करिए मॉम, कॉलेज जाके पढ़ने के लिए कहा था, तुम तो गुंडे बन गए। जा मुझे कॉल कर रहा है। तुम नौजवानों को तो हिंसा पसंद ही है, तुम लोग इसके लिए पागल हो, और तुम्हें लगता है कि यही तुम्हारी ताकत है? नहीं, ये तुम्हारी कमजोरी है, खासकर तुम्हारी विक्रम। तुम इतने अच्छे स्टूडेंट हो, मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। अगर ये दोबारा होता है तो मैं तुम लोगों के खिलाफ सीवियर एक्शन लूंगा। कॉलेज एक अच्छी जगह है, ये वही जगह है जहां आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। कॉलेज आपको पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, म्यूजिक, क्रिएटिविटी, फ्रेंडशिप और जिंदगी क्या होती है ये भी सिखाता है। ये सब हिंसा को छोड़िए और एक अच्छे स्टूडेंट बनिए, और गुंडे बनना बंद कर दीजिए। बस अब बहुत हो गया यार। किसने कहा? राउडी बॉयज। ओके स्टूडेंट, अब जल्दी से स्केल और उसके बोन पर क्रिस करते हैं। ये बोन स्ट्रक्चर कौन सा है? ये मैंडिबल है सर। वेरी गुड, इट्स मैंडिबल के इनर पार्ट्स क्या है? माइलोहेड्रो और सम्बलिंग फोर्स। गुड, न्यूरोक्रेनियम में अनबेड बोनस कौन से हैं? गुड, और इस स्केल में डेंजरस एरिया कौन सा है? क्या बाकी के लोग क्लास में है? क्या फायदा, आप भी इनकी तरह आंसर करो। ओके सर। तुम दोनों ही इस कॉलेज की शान हो, बाकी लोग यहाँ चिल्लाने के लिए। हेलो 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। हर साल की तरह इस साल भी हम एक प्राइवेट डेट पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं लियोनिया रिजॉर्ट में 7 अगस्त को। लियोनिया? ये कहाँ से है? पता ही नहीं यार। ये यादगार लम्हा होगा, इस एक रात में ही तुम काफी बड़े हो जाओगे। इसका आखिर मतलब क्या है भूषण? अबे मास्टर भूषण, तुम भी समझदार हो जाओगे यार, समझे? आप सबको 3 रूल्स फॉलो करने हैं। पहला, हर किसी को 2000 एंट्री फीस देनी होगी। दूसरा, सबको ड्रेस कोड फॉलो करना होगा। और तीसरा, सबसे अहम रूल, हर किसी को डेट के साथ आना है। लड़कों को लड़कियां और लड़कियों को लड़कों के साथ आना है। अगर पार्टनर नहीं होगा तो आपकी एंट्री बंद, भले ही आपने फीस पे की हो या ना। पार्टी में आना, हम मस्ती मजा और बहुत कुछ करेंगे। भैया रुके भैया। हाँ बोलो भैया। मेडिकल कॉलेज की लड़की को डेट नाइट पर बुलाऊं क्या? क्या सच में लाओगे? अरे पक्का लेके आऊंगा। कॉलेज के इतिहास में कोई भी मेडिकल की लड़कियां नहीं लाया है। अगर तुम लाओगे तो मैं तुम्हारी एंट्री फीस माफ करूंगा। अरे भैया तो कर दो माफ, उसको लेके आऊंगा मैं। ठीक है जाओ, ध्यान रखना। भैया थैंक यू भैया, बाय भैया। यस यस यस। अरे भाई वो मेडिकल कॉलेज की काव्या को डेट नाइट पर लेकर जाऊंगा मैं यार। ये तो नामुमकिन है। पिछली बार जब तुम अंदर गए थे ना तब बहुत ज्यादा पंगा हुआ था भाई। भाई इस बार गए ना तो इस बार हमें छोड़ेंगे नहीं, और हमारी बॉडी में प्रैक्टिकल भी करेंगे। क्या भाई हमेशा नेगेटिव सोचते हो तुम। वैसे तुम्हें वो कैसी लगी? इतनी खूबसूरत भी नहीं है वैसे वो। अरे भाई मेरी आंखों से देख यार कितनी खूबसूरत लगेगी तुझे वो, और कमीर तो चांद में भी है यार। वो एक तमिलियन है ना भाई। तो क्या वो भी प्रैक्टिकल में है? वो तुमसे कम से कम 1 या 2 साल बड़ी है भाई। ओ माय गॉड, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है क्या बड़ी लड़कियों से प्यार नहीं कर सकते हम? हाँ अच्छा ये सब छोड़ो, सबसे जरूरी बात बताता हूँ। वो गर्ल्स हॉस्टल में रहती है, तुम आखिर उससे कैसे मिलोगे बताओ? अरे भाई उसने मेरे दिल में आग लगा दी है यार। उस लड़की के लिए ना जितने रिस्क को सब उठा लूंगा मैं। अरे भाई जो करना आप करो ठीक है, लेकिन इस मामले में सिर्फ हमें शामिल मत करो। हेलो, जल्दी केबीआर पार्क में आओ। अबे यार योगा और जॉगिंग जैसी बुरी आदतें मुझे नहीं है यार। अरे बीएमसी मेडिकल स्टूडेंट्स ने यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, समझे? सही में वहाँ पर काव्या भी है क्या? ए बाबू लाइन में आओ।
हाय हे वणकम हाय खूबसूरत लड़की के लिए खूबसूरत गुलाब ओके बैठो तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत है जी करता है देखता रहूं दिल की धड़कन फॉर्मूला 1 की स्पीड पे चलती है अरे बाप रे ऐसे मत हंसिए यार मेरे दिल की धड़कन और तेज हो जाएगी सुन के देखिए खुद सुनिए अरे सुनिए तो सुई की वजह से परेशान मत होना तुम्हारा ब्रेन एपिनेफ्रिन हार्मोन रिलीज कर रहा है ब्लड में इसलिए तुम्हारा दिल तेज धड़क रहा है बस इतना ही लगता है मेरी बोली हुई लाइन काम नहीं करी हार्ट बस एक मसल है वैसे तुम्हारा एड्रेनल काफी ज्यादा है ना तुमने ऐसा क्यों सोचा कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है और तुम बस में फ्लैग वेव कर रहे थे तुमने वीडियो देखा था क्या वो वायरल था लड़ाई की शुरुआत तुम्हें लव लेटर देने से भी थी जानती हो ऐसा क्या हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं क्यों मुझे सुई से डर लगता है अरे कुछ नहीं होगा बैठो अरे नहीं नहीं अरे ब्लड डोनेट करना एक अच्छी बात होती है अरे ये लाओ मत कुछ नहीं होगा ओह रिलैक्स रिलैक्स मम्मी ये भगवान अच्छा मैं एक दो तीन दिन के फिर इंजेक्शन दूंगी ओके रेडी 1 2 मेरे कॉलेज वालों ने एक डेट नाइट अरेंज करी है उसमें मेरी डेट बनोगी क्या तुम तुम्हारा नाम अक्षय अक्षय तुम जा सकते हो तन्रे नंद्री होता है वेलकम 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 टिकट ऑल पास करो काव्या ये तो चीटिंग है काव्या थैंक यू कोई बात नहीं क्या फिक्र है यार अगर तुमने अगली बार उसे देखा या उससे बात करने की कोशिश की या उसके पास गया तो मैं तुम्हें मार दूंगा अच्छा हाँ और सुनाओ सब कैसा है कॉलेज ठीक चल रहा है सब अच्छा रहा पापा दादी कैसी है हाँ वो भी अच्छी है और बताइए मैंने तुम्हारे कॉलेज की फीस पे कर दी है अच्छा हाँ? पापा मैं खुद करती हूँ हाँ, ओके ए, तुम लोगों के पास कोई और काम नहीं है क्या जब देखो ड्रोन वगैरह भेज के हैक करते रहते हो तुम्हारा फोन नंबर नहीं है तो ऐसे तो अब क्या उस दिन पूछा था ना मैंने 7 अगस्त डेट नाइट आओगी ना मुझसे ड्रोन फोन इन सब चीजों से मत पूछो अगर गट्स हो तो मेरी कॉलेज जाकर सबके सामने पूछो तब देखूंगी ओके हेलो काव्या हेलो एनआईटी के स्टूडेंट्स ने अचीव किया है वाह अच्छे बच्चे बस तुम्हें भी इन चीजों के लिए न्यूज़ में आना चाहिए उनके पेरेंट्स को कितना गर्व होता होगा फादर्स डे है क्या पॉप्स पाउट करो ना पाउट क्या होता है नहीं करो पॉप्स एक बार करो ए, एक तरफ वो है देखो पढ़ाई करके कितना कुछ हासिल कर रहे हैं वो और तुम हो यहाँ पर पता नहीं क्या कर रहे हो हाँ पॉप्स बाल मत खराब करो अभी हेयर स्पा किया है पॉप्स खराब हो जाएगा यार हेयर स्पा तुम्हें इन चीजों की जरूरत कब से पड़ने लगी पॉप्स ये सब आप नहीं समझोगे पॉप्स अगर मैं अपनी बॉडी और अपने बाल को मेंटेन नहीं करूंगा ना मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स गिर जाएंगे फॉलोअर खुद तो एक डेट भी नहीं दो सकते और तो और अपना कमरा साफ रखने के लिए भी अपनी माँ पर तुम्हें डिपेंडेंट होना पड़ता है और तुम इंस्टाग्राम से इसे मेंटेन करना चाहते हो
ये सब करके क्या मिलता है तुझे? रुकिए यार, थिंक बिग बॉब्स, थिंक बिग। इसी पागलपंती की वजह से इंस्टाग्राम पे छा जाऊंगा, डैन ब्रिजेरियन जैसा बड़ा इन्फ्लुएंसर बनूंगा, फिर मेरे फॉलोअर्स घर के बाहर आके अक्षय अक्षय ऐसे चिल्लाएंगे पापा मुझे देखने के लिए, मेरे साथ सेल्फी लेने के लिए, मेरा नाम अपने हाथ पे टैटू करवाने के लिए। लोग पागल हो जाएंगे देखना। ये सब देख के आपको कितना गर्व होगा सोचिए, और आपकी आंखों में खुशी के आंसू भी होंगे। जस्ट इमेजिन पॉप्स, जस्ट इमेजिन पॉप्स। अरे क्या हो गया? तुमने जो कहा मैं वो इमेजिन कर रहा था। सच में क्या देखा पॉप्स? अगर तुम ऐसे जाओगे तो मेरे लिए तो कुछ भी नहीं बचेगा बेटा, मैं खुद को सड़कों पे भीख मांगता दिख रहा हूँ। जी बकवास विजुअलाइजेशन है आपकी पापा। चाय ले लो। थैंक यू नानी। चाय? ये सब क्या है, क्या हरकतें हैं ये? दिन ब दिन तुम इतने अजीब क्यों होते जा रहे हो? अब इतनी रात गए भला चाय कौन पीता है? ये बिल्कुल अपने नाना की तरह है। अपने नाना की तरह? अक्षय कोई पुरानी चीजें फेंकने के लिए तो ले आओ। लेकिन क्यों माँ? भूल गए क्या, कल काम दम है ना? माँ कल काम दाह में तो परसों होली है क्या? हाँ बिल्कुल। यस यस यस, विक्ट्री। थैंक्स डैडी। तोड़ो रे तोड़ो मेडिकल वाल की दीवार, तोड़ो फिर जाके प्यार करो तुम, तोड़ो तोड़ो तोड़ो। यस अरे इधर आओ। अरे भाई सुन, इस विक्रम को कहीं और ले जाना, मुझे काव्या से कुछ बात करनी है। भाई उसे मैं कहीं पर और कैसे ले जाऊं? अरे भाई तू हमारे कॉलेज का शेर है यार। भाई अगर मैं शेर हूँ तो वो लोग रिंग मास्टर है, पकड़ा गया तो मुझसे सर्कस करवाएंगे। अरे भाई प्लीज यार प्लीज। हे भगवान। What happened? राहुल से यहाँ से, यहाँ से ले आओ जल्दी। कौन सर? एक मिनट रुको। इस माय भी एक केस ऑफ ये स्ट्रोक के लक्षण है, लगता है हमें सीपीआर करना होगा। मैं करूंगा, फिक्र मत करो, हम तुम्हें बचा लेंगे। वणक्कम, हैप्पी होली। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वो आपसे पूछा था ना डेट पर आने के लिए। अरे तुम पागल हो क्या? अरे चलिए ना यार डेट पर। मैं नहीं आऊंगी। नहीं चलोगी? तुमने ही तो कहा था पूछना है तो कॉलेज में आकर पूछो। मैंने सबके सामने कॉलेज में आकर बोलने के लिए कहा था, ऐसे रंग वंग लगा कर नहीं। ऐसा नहीं चलता, मैं नहीं मानूंगा। मुझे कोई परवाह नहीं है, अगर तुम ऐसे पूछोगे तो मैं नहीं आऊंगी। अब तुम्हें माउथ टू माउथ सांस देनी होगी। अरे गलत है काव्या। हाँ हैप्पी होली विक्रम, मैं नहीं आऊंगी, तुम जाओ यहाँ से। हैप्पी होली। भैया डेट नाइट पर मेडिकल कॉलेज की लड़की को भी बुलाना चाहिए। कैसे? ऐसे क्या रे, वहाँ पर जाके लैपटॉप बेचने के लिए बोल रहा है? नरेश लैपटॉप बचाने को नहीं बोल रहा। कंटेंट देखो लिखा क्या है। वाओ जोरदार तालियां हो जाए गांधी।
मेडिकल कॉलेज के SOS बैंड के इस शानदार परफॉर्मेंस के लिए, और आप आ रहे हैं अपना परफॉर्मेंस देने के लिए बैंड राउडी बॉयज। विक्रम विक्रम परफॉर्मेंस शुरू हो गया, चलें। हाँ ठीक है, अच्छा होगा। सैटरडे डेट नाइट पार्टी में ओ काव्य आना है तुमको मेरे साथ, पार्टी में स्टैगेंट्री नहीं है। क्या आप कुछ बड़ा खरीदने का सपना देख रहे हैं? वन एच बैट के साथ जीतकर इसे अभी पूरा करें। किसी भी खेल पर बैट लगाएं, पोकर या कसीनो में जीतें, साइबर स्पोर्ट पर बैट लगाएं या स्लॉट खेलें, और आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी खरीद सकते हैं। वन एच बैट की साइट पर जाएं और अपनी पहली जमा राशि पर 100% बोनस प्राप्त करें। उसे ही डेट बनाऊंगा, कल तुमने जो कहा मैंने वो भी कर दिया, अगर अभी तुम नहीं आओगे। ओ काव्या काव्या ये क्या किया, निकल पे चट्टी फाड़ देंगे साले, निकल जल्दी यहाँ से। अरे सर्कस का रिंग मास्टर, अरे भूषण तो मिस्टर भूषण बन गया है रे। अरे भाई हमें भी अंदर जाना है। सॉरी यार, रूल्स आर रूल्स। बेबी के पास भी अपनी बंदी है। मैं जाके पूछता हूँ। अंदर जाने दे रहा भाई, भाई जाने दे रहा। चलो यहाँ से नहीं जा सकता यार, क्या मैं दूसरी लड़कियाँ होनी चाहिए? नहीं यार, चल चल चलते हैं हम लोग। चमक रही है यार। थैंक्स फॉर कमिंग। ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, तुमने इतना रिस्क लिया तो मुझे तुम पर थोड़ा तरस आ गया, इसलिए मैं आ गई। वाओ बहुत सुंदर है ना। हाँ, ये सब कुछ विश्वास नहीं किया है। ओहो तुम मेरी जूनियर हो है ना। हाँ मुझे तुम्हारे बारे में और जानना है, तो बताओ क्या कहूँ मैं। कौन हो तुम? आई एम अक्षय, सन ऑफ टी रामेश्वरम, इंजीनियरिंग कॉलेज LIT। ये नहीं, हु आर यू? मैं हूँ अक्षय अंडरस्कोर रॉकस्टार, मेरे 3000 फॉलोवर भी है। मैं तुम्हारी इंस्टा प्रोफाइल के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, कौन हो तुम? अरे भाई इधर आना। Hey! Hello, my dear boys and beautiful girls. Welcome to Date Night Party. Akshay ko special shout out. Hamare Date Night liye yaha koi bhi medical college ki ladki ko yaha nahi la paya. Cheers to him. Chalo ab dance shuru karte hain aur is party ko start karte hain. Ye to bahut badhiya. Dekho, Naresh ne sirf medical guys ko tag kiya hai. हे विक्रम, ऋतु वहां है। कैफे पर पहुंच गए। जब कॉफी के 5 बजे। यस, इट्स जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। पार्टी इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। पार्टी इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। हे भगवान, मदद करना। Hey, क्या चल रहा है? बैठो। हाँ थैंक्स, तुम मुझे भूल नहीं पाई है ना? मैं भी तुम्हारे बारे में सोचा था, जानती हो पूरे 320 लाइक्स आ गए हैं इंस्टाग्राम पर हमारे फोटो पर। बहुत लोगों ने कमेंट भी किया कि हम दोनों एकदम साथ क्यूट लगते हैं। हे चिंता मत करो, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? Thank you.
तुम्हें ये चश्मा चाहिए? और कितनी बार बोलना पड़ेगा हमारे कॉलेज के लड़के से दूर रहने के लिए? मैं तुम जैसे से दूर रहने के लिए बाबा जी की लस्सी लेता हूँ। तुम परेशान मत होना, ये तो सब कुछ कॉमन चलता है। क्या तुम मुझे पसंद करती हो? आई रियली लाइक यू। क्या रे बीएससी कॉलेज वाले गीदड़, तुम लोग क्या एक ही को टारगेट करते हो हमेशा? हमारे जैसे सड़क छाप को हम ऐसे ही सबक सिखाते हैं, समझे? ओके, तो तुम लोग हमें टारगेट करने में बिजी हो, इसलिए तुम्हारे कॉलेज की लड़कियां हमारे साथ पार्टी करती हैं। ये लोग अपनी हदें पार कर रहे हैं, इन बेवकूफों को सबक सिखाना चाहिए। हम तो अपने कॉलेज का लेक्चर भी नहीं सुनते, तुम्हें क्या सुनेंगे? हाँ? क्या तुम लोगों के पास और कोई काम नहीं है? क्या तुम्हारे कॉलेज में लड़कियां नहीं है? तुम लोग हमेशा हमारे कॉलेज में आ जाते हो। अबे हमारे कॉलेज में लड़कियों की कमी नहीं है, लेकिन तेरे कॉलेज में तो मर्दों की कमी है। हमारे कॉलेज के लड़कियों के नजदीक भी मत आना, खासकर तू। काव्या से दूर रहने में ही तेरी बेहतराई है, समझ गया ना? बाप, मुझे लगता है उसकी बहन है। काव्या से दूर रहना, समझा? वो मेरी बात तो ऐसे कर रहा है जैसे बेटी है तेरी। साले उस दिन तेरा हाथ तोड़ देने चाहिए थे, तब तेरे को पता चलता। अबे तू बोलता क्या, करके दिखाना साले, करना। तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है यहाँ? ए, टेबल पर क्यों चढ़े हो? सर वो मैं पंखे को साफ कर रहा था सर। क्या? कुछ बात नहीं है सर, छोटा गेट टुगेदर है, चलते हैं हम लोग। कम ऑन, चलो। ध्यान से। उससे मिल भी क्यों रहा है? वो कौन होता है काव्या से मिलने के लिए रोकने वाला? मैं सावधान रहना होगा विक्रम, काव्या सिर्फ उसके साथ बाहर जाती है। इसे इतना सीरियस क्यों बनाना, लाइटली लो इसे। मौसड़ी के, क्या बोल रहा है तू? तुम्हें क्या लगता है ये कौन है? शेर है यहाँ का, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? लौड़ा है विक्रम, वो हमारी लड़की है। अगर काव्या को उससे प्यार हो जाएगा तो हम शर्मिंदा हो जाएंगे। क्या बोल रहे हो तुम लोग, ये हमारे कॉलेज का हीरो है, क्या हम नहीं जानते ये काव्या को कितना चाहता है? तुम्हें लगता है वो इसे छोड़कर उस छिछोरे के पास जाएगी? वो हमेशा इसी की ही रहेगी। अरे सुनना भाई, मुझे काव्या से बात करनी है यार। कॉल लगा उसको, अभी कॉल लगा साले को। ये चल पैक बना। जिस नंबर पर आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है। भाई टेंशन क्यों ले रहा है यार, मैं हूं ना। अभी क्यों कॉल किया तुमने? मुझे याद आ रही थी यार। प्लीज अपनी दोस्त काव्या को फोन दो ना, मेरे दोस्त अक्की को बात करनी है उससे। काव्या यहाँ नहीं है, वो तमिलनाडु में है। क्यों? वो एनजीओ के काम से काफी सारे रिमोट एरियाज में गई है। वाह कितनी स्वीट लग रही है वो। चलो बताओ तमिलनाडु कहाँ पर है? पता नहीं, मुझे बताया नहीं उसने। वो वापस कब आ रही है? वो भी नहीं पता, पिछली बार 15 दिनों के लिए गई थी। अच्छा ठीक है, बाय श्रुति, मैं तुम्हारे सपनों में आऊंगा। अच्छा तो गुड नाइट, ठीक है। हाँ बोलो। रितु काव्या को फोन देना। काव्या यहाँ नहीं है, हर साल की तरह वो तमिलनाडु गई है एनजीओ के काम से, और मुझे नहीं पता है कि वो कब तक वापस आएगी। बहुत हो गया यार ये सब, मैं तमिलनाडु जाऊंगा काव्या से मिल के आऊंगा। हाँ। कहा ना ये शेर है। हे गूगल, हैदराबाद से चेन्नई के लिए ट्रेन बताना जरा। आखिरी ट्रेन 11 से 30 बजे की है, सिर्फ 30 ही मिनट है। डबल लॉकी बस। अबे इसे रहने दे, मैं बाहर से खरीद लूंगा। ये लो ये थोड़े पैसे रखो अपने पास। ए, कौन हो तुम? एक सेकंड। भाई चेन्नई की एक टिकट देना। पकड़ो पकड़ो, हैप्पी जर्नी। हालांकि मेरा फोन ऑफ है, मैं फिर भी सुबह कॉल करूंगा। तुम भले ही अकेले जा रहे हो पर आना उसके साथ ही। अक्की, मदुराई से चेन्नई जाना, वहां से अजनापट्टी के लिए तुम्हें डायरेक्ट बस मिल जाएगी, वो बस ले लेना। उन पहाड़ों के पास उसका फोन ऑफ होगा, पहाड़ों के पास ही उसे ढूंढना। थैंक यू।
नहीं बोला कहाँ पर है? हाँ। वहाँ पर है। ठीक है। मेडिकल कैंप। क्या कर रहे हो? गूगल मैप से पूछा सबसे खूबसूरत लड़की कहाँ मिलेगी, यहाँ लाके छोड़ो। वेरी फनी काव्या, एक सेल्फी लेके। काव्या, जब तुमने टच किया तो मुझे गूस बम्स आ गए। वेस्टिजल रिफ्लेक्स। जब इस हिल स्टेशन की सर्द हवा तुम्हारी स्किन के कांटेक्ट में आती है तो तुम्हारा ब्रेन स्किन मसल को वार्निंग सिग्नल भेजता है। उस वार्निंग को रेजिस्ट करने में गूस बम्स होते हैं। अच्छा, तुम हमेशा यही चूड़ियाँ क्यों पहनती हो? ये मेरी माँ का है, ये मुझे उनकी याद दिलाते हैं। ये मेरे लिए बहुत कीमती। अच्छा, नाइस। वैसे क्या तुम्हें मेरे सवाल का जवाब मिला? बोलो ना, मिला क्या? कौन हो तुम? क्या मतलब? मतलब हु आर यू? काव्या, मुझे अपने बारे में तो कुछ नहीं पता है, लेकिन तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता है। मेरे बारे में क्या पता है? एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, सेल्स। काव्या, तुम बहुत स्ट्रांग हो, इंडिपेंडेंट हो, हर चीज में सीरियस हो, फन लविंग भी हो। जिन्हें तुम पसंद करती हो उन्हें चिढ़ाना तुम्हें पसंद है। नॉट बैड। तुम्हारा दिल बहुत साफ है काव्या, सभी का ख्याल रखना बहुत पसंद है, इसीलिए तो तुम इतनी दूर तक यहाँ पर चली आई हो। जब लोग मुझसे मिलते हैं तो वही जान जाते हैं। हाँ, और जब तुम इन लोगों की सर्विस करती हो तो तुम्हें बहुत खुशी होती है, और जब तुम खुश होती हो तुम्हारी आंखें तेजी से ब्लिंक करती है काव्या। आओ ना। हाँ, तुम्हें पता भी नहीं है और तुम्हारी आंखें तेजी से ब्लिंक हो रही है यहाँ। इन इलाकों में लोगों के पास अच्छी मेडिकल सर्विसेज नहीं है, छोटी छोटी बीमारियों की वजह से लोगों की मौत हो जाती है। मुझे डॉक्टर बनना ही होगा, इन लोगों की सेवा करना बहुत जरूरी है। वाओ, वाओ, ये नजारा कितना खूबसूरत है। अरे पानी देखो कितना साफ है। हाँ। चलो कुत्ते। हे, पागल हो क्या? अरे हर चीज के लिए पहले ना ही बोलती हो तुम। हे, जो भी कहो मैं नहीं कूदने वाली। काव्या, नीचे पानी देखो कितना साफ है, हैदराबाद में ऐसा पानी 10 जन्मों तक नहीं मिलेगा। चलो मजा आएगा, कुत्ते आ जाओ। वाह, सुपर। पागल हो गया तुम? पता है मैं कितनी डरी हुई थी, क्योंकि तुमने ऐसा, पागल हो गया तुम? बिरयानी सुपर होंगी कदा? सुपर होंगी बिरयानी। ये तागते उन्टा दी छोड़ो। मुझे अभी इसके बारे में पता चला, वो आज सुबह निकलेंगे और शाम तक पहुंचेंगे। थैंक्स अक्षय, ये ट्रिप बहुत खास थी। ओह शिट, फोन चार्जिंग पर लगाकर भूल गया हूँ। तुम जाओ, मैं आता हूँ। hey! 2 मिनट बस। यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ क्या कर रही हो? द ग्रेट विक्रम मुझे पिक करने आया है, यकीन ही नहीं होता। तुम्हारे बिना तो कॉलेज भी बोरिंग था, तो मैं मिस किया तुमने। अब मैं आ गई हूँ ना, अब नहीं मिस करोगे। चले, कोई दिक्कत है? नहीं, कुछ नहीं। चलो चले। ए, यहाँ देखो। चलो उस बोगी में देखो। कम, ए, उस बोगी में देखो। चलो, कौन को
कौन सी जगह गई थी? मैं एक वायनाड नाम की जगह पर गई थी। ओह, वायनाड, कैसा था फिर? गुड गुड। और हमने वहाँ हेल्थ और हाइजीन का काम किया। भाग निकला है। विक्रम, वो भाग निकला। कहाँ जाएगा वो? पकड़ देंगे। अरे यार, तुम तो शर्मा रहे हो। हाँ, अरे उसकी शक्ल तो देखो। हाँ, अरे स्माइल तो देखो, स्वैग तो देखो। अबाबा अब आगे तो बताओ भाई, तुम उससे मिलने के लिए तमिलनाडु गए, सही कहा ना? आगे क्या प्रपोज करूंगा? मैं उससे प्रपोज करूंगा, ठीक है? काव्या, 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 किसी का कॉल आ रहा है। हेलो। हाय काव्या, मिले क्या? मैं डांस प्रैक्टिस में हूँ। लेकिन किस लिए? मेरी कॉलेज में फेस्ट है, मैं परफॉर्म कर रही हूँ। क्रेजी, तुम्हें चेयर करने के लिए मैं भी आऊँगा वहाँ। ओके, इस बार कैसे आओगे? जहाँ चाह है वहाँ राह है काव्या। राह नहीं, दीवार। तुम यहाँ काफी बार आए हो, लेकिन इस बार तुम्हें काफी सावधान रहना होगा। आना मेरे लिए नई बात नहीं है, मैं आ जाऊंगा, तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो। ओके, बस ख्याल रखना। ओके बाय। ए भाई, काव्या और उसकी दोस्त एनुअल डे पे परफॉर्म कर रहे हैं, उस परफॉर्मेंस के बाद मैं उसे प्रपोज कर दूंगा। श्रुति भी परफॉर्म कर रही है, देखो हमने रिंग बना दी है। वाओ, अरे क्रेजी है यार, इस रिंग से उसे प्रपोज करना, वो पक्का कहेगी ना। ये रिंग कमाल है यार, जरा इमेजिन करो, एनुअल फेस्ट की रात, अवे की परफॉर्मेंस के बाद मैं स्टेज के बीचों बीच घुटनों पर, जब स्पॉटलाइट हम पर होगी, तब मैं उसे इस रिंग से प्रपोज करूंगा। ये अब तक का सबसे बेस्ट प्रपोजल होगा। विक्रम, वो हमारी फेस्ट को बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहे हैं। उनका फेस्ट हमारे फेस्ट से अच्छा नहीं होना चाहिए, हमें इसे खराब करना ही होगा। वो हमारे कॉलेज में आ भी कैसे रहे? पिछली बार वो फेक आईडी कार्ड लेकर आ गए थे। अरे विक्रम, उन्होंने हमारे कंपाउंड वॉल में छेद कर दिया यार। एंट्रेंस में सिक्योरिटी बहुत टाइट है रे। अबे कुक्स भी पकड़े गए हैं, जिनकी फेक आईडी पकड़ी उनकी तो तोड़ रहे हैं यार। दीवार ही एक बस एक ऑप्शन है। दीवार के पास की सिक्योरिटी टाइट है, अगर पकड़े गए तो छोड़ेंगे नहीं वो। कंपाउंड वॉल से अंदर जाना मुझे तो मुमकिन नहीं लग रहा है, तुम कैसे अंदर जाओगे? मैं ऑलरेडी अंदर आ चुका हूँ यार। अरे भाई, तुम कितनी बार कॉलेज में आने से मना किया है? साले इतना ही नहीं, तुम मेरे और काव्या के बीच आया। मैंने ये क्लियर कर दिया था, पर फिर भी तू उसको तमिलनाडु चला गया मिलने। साले तू उसे प्रपोज करने आया है। काव्या सिर्फ मेरी है, काव्या मेरी है।
देखिए बकुरदार, इनके पास दौलत है, शौहरत है, हार्वर्ड की डिग्री है, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला है। बताइए, हम अपनी बिटिया का हाथ आपके हाथ में क्यों दें? इसे यहाँ पर कौन लाया? हम लेकर आए हैं यहाँ पर। क्या हुआ? तुम इसकी ट्रीटमेंट क्यों कर रही हो? ये बीटेक कॉलेज से है। हम डॉक्टर्स हैं, ये हमारी ड्यूटी है। वो जो वहाँ पर लेटा है वो हमारा दुश्मन है, समझी? चलो अब जल्दी से उसे यहाँ से बाहर फेंक दो। ये क्या बकवास कर रहे हो और यहाँ पर चिल्ला क्यों रहे हो तुम? तुम लोगों ने इसकी हालत की है ना? हाँ, हमने ही ऐसा किया है। अकल नहीं है क्या? क्या तुम इंसान भी हो? इसे क्यों मारा? काव्य, हमने इसलिए मारा, इसने रूल तोड़ा है। हमने इसे समझा दिया था कि कैंपस में आना मना है, और देखो ये घुस आया और हमारा फेस्ट भी बर्बाद कर दिया इसने। वो हमारा फेस्ट खराब करने नहीं आया था, बल्कि हमारा परफॉर्मेंस देखने आया था। मैंने उसे आने को कहा था। ये क्या तुमने इसे यहाँ आने को कहा? तुमने उसे क्यों बुलाया और तुम उसे क्यों मिलते रही? ये सब बोलने वाले तुम कौन होते हो? हमें कुछ भी करने से पहले तुमको आके इन्फॉर्म करना पड़ेगा क्या? ए, दिमाग खराब है क्या? भूल गए इन्होंने दीप्ति के साथ क्या किया था? अक्षय ने दीप्ति को हरास नहीं किया था। विशाल और अक्षय एक ही बैच के हैं। हम माफी मांगने गए थे लेकिन उन्होंने हमसे डांस करवाया। अगर ये तुम्हारे साथ होता तब तुम्हें पता चलता। चार लोगों की वजह से पूरे कॉलेज को दोषी नहीं ठहरा सकते। कॉलेज के सारे लड़के स्टूपिड हैं। अगर उसने कुछ गलत किया है तो जाकर पुलिस में कंप्लेन करो। यहाँ आकर उसे ऐसे मार नहीं सकते हो तुम। हाँ, हम उन्हें मारेंगे, समझे? और अगर उस कॉलेज से कोई भी आता है तो हम उसे ऐसे ही मारेंगे, खासकर अक्षय, और अगली बार आता है तो हम उसे ऐसे जान से मार डालेंगे। काव्या, अगर वो यहाँ पर आया तो हम उसे ऐसे ही मारेंगे, खासकर इसको तो हम मार ही डालेंगे। क्या तुम गारंटी देती हो कि ये दोबारा कॉलेज में नहीं आएगा? अगर तुम्हारी गारंटी है तो बताओ। भाड़ में जाइए सब, ये हमारी नहीं सुनने वाली। हे, हे, हे! तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे छूने की, इडियट! अगर एक कदम और बढ़ाया ना तो अच्छा नहीं होगा। काव्या, इसे होश आ गया। अक्षय, दर्द हो रहा है क्या? बताओ मुझे, दर्द नहीं हो रहा है ना? अक्षय, ऐ, क्यों मारा इसे? जान लोगे इसकी? अक्षय, दोबारा इस कॉलेज में कभी मत आना। आओगे तो ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन तुम तो लूजर हो, मेरी कभी नहीं सुनोगे। बार बार आओगे मुझसे मिलने, इडियट। तुम्हारे यहाँ आने से प्रॉब्लम है ना? ठीक है, यहाँ मत आना, कभी मत आना। बेहतर यही होगा कि मैं तुम्हारे पास चली आऊं। इनफैक्ट मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, मैं तुम्हें बचाऊंगी। तुम्हारे लिए मैं और मेरे लिए तुम, ठीक है ना? होगी वो ये सारा रिस्क मुझसे मिलने के लिए ले रहा है ना? अगर ये लड़ाई रोकनी है तो मुझे उसके घर पर रहना होगा और मैं उसके साथ रहूंगी, तब खुशी खुशी अपना करियर बना लेंगे। उसका कोई करियर है क्या? उसकी जिंदगी का कोई गोल भी है? वो बाद में गोल बना लेगा। अक्षय सनकी है, उसे पता नहीं वो क्या कर रहा है। वो जो चाहता है करता है, तुम्हें उसके साथ रहना है। मैं उसके साथ रही तो शायद वो फिगर आउट कर लेगा, शायद उसे पता चल जाए। पर वो बहुत असमझ है काव्या, वो कुछ नहीं कर पाएगा। पता नहीं तुम्हारा ख्याल भी रख पाएगा या नहीं। ये कोई परेशानी नहीं है, मैं मेहनत करूंगी और खुद का ख्याल रख लूंगी। सुनो काव्या, इस बारे में जरा सोचना। प्रिया, अगर हम साथ रहे तो हम एक दूसरे को समझ जाएंगे, और वैसे भी वो ईमानदार है, ये तो मैं कह ही सकती हूँ, इसीलिए मैंने फैसला किया। काव्या, तुम्हारी पढ़ाई बहुत हो गया। वो खुशी खुशी जा रही है, उसे ऐसे रोक मत। काव्या, अपना ध्यान रखना तुम, ठीक है? गो अहेड, ऑल द बेस्ट। लिविन, क्या होता है? मैंने तुम्हें कॉलेज पढ़ने के लिए भेजा, ये सब करने के लिए नहीं। लिविन का मतलब क्या होता है?
इसका मतलब मैं समझाता हूँ, इसका मतलब है कि शादी से पहले लड़का लड़की एक साथ रहते हैं और तो और एक ही बिस्तर पर सोते भी हैं, एक ही घर में एक साथ रहते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। ये सब आजकल आम होता जा रहा है, लिविंग का यही मतलब होता है। वो बिल्कुल अपने नाना के जैसा है, हम भी साथ थे जब हम 18 साल के थे। प्लीज माँ बस करो। अरे बेटा मेरी बात सुनो ना, तुम मेरे बिना कैसे रह सकते हो? माँ तुम टेंशन मत लो, मैं आराम से रहूंगा, एकदम ठीक रहूंगा। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे मुझे एक महीने के लिए पैसे दो यार। मैं तुम्हें इतनी चीजों के लिए पैसे भेजू? मैं तुम्हें एक रुपया भी नहीं दूंगा, समझ गए? ओके पॉप चल। बेटा तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम करोगे क्या? तुम्हें तो कुछ करना भी नहीं आता है, कम से कम उसको तो बोलो अपना करियर बर्बाद करे। प्लीज उसकी जिंदगी बर्बाद मत करो। उसकी फिक्र मत करो पापा, उससे प्यार मैंने किया, ख्याल भी उसका मैं ही रखूंगा। प्यार के बारे में तुम आखिर जानते क्या हो? इसे रोमांस नहीं है बल्कि तुम्हें उसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। बताओ तैयार हो? वाह अरे क्या डायलॉग मारा पापा, सुपर। बाय माँ, बाय नानी। अरे अरे मेरी बात तो सुनो ना बेटा। अगली बार अपनी शक्ल मत दिखाना। अरे मेरी बात तो सुनना बेटा। काव्या किसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? किस Kiss is the anatomical juxtaposition of two orbicular muscle in a state of contraction. Oh, शांत हो जाओ। ये क्या तुम्हारा external का वाइवा चल रहा है? काव्या, अब तक क्या किसी को किस किया है तुमने? नहीं। नहीं क्या? मतलब तुमने भी first kiss experience नहीं किया है? नहीं। काव्या, काव्या, तो फिर दोनों मिलके first kiss experience करते हैं ना? नहीं प्लीज काव्या। देखो हम साथ में रोमांस के लिए नहीं रह रहे, हम साथ में इसीलिए रह रहे ताकि कोई झगड़ा ना हो और हम अपने करियर्स पर ध्यान दे सके, समझे? अरे ये क्या बोल रही हो, तो क्या कभी भी किस नहीं करेंगे क्या? देखो हर मोमेंट का अपना टाइम होगा और वो अपने परफेक्ट टाइम पर होगा। ओके बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अरे भाई ये तो तुमसे बहुत ही ज्यादा चल रहे हैं। भैया इन लोगों से पैसे मत लेना, साले हैं सारे मेरे। पिछली बार हमने तुम्हारी हड्डी तोड़ी थी, लगता है वो काफी नहीं। तो दोबारा भी मारेगा तो कोई टेंशन नहीं, हमारे घर पे एक डॉक्टर है, सब कुछ वही देख लेगी। उसे पता नहीं है तुम कितने बेकार हो। उसे पता है तुम लोग कितने बेकार हो, इसलिए देखेंगे कितने दिनों तक साथ रहेंगे। सोचो ये क्या कर सकते हैं, ये सिर्फ हमें देख के जल सकते हैं। देखो तो सारे कैसे जल रहे हैं। ये लोग तो गुस्से में लग रहे हैं। बाबा ये कुछ नहीं कर सकते रे बाबा, तुम लोग तो कुछ कह भी नहीं सकते। वो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, वो हमारे साथ खेल रहे हैं। इतने दिनों से लग रहा था कि हम हीरो हैं, अगर हमने कुछ नहीं किया तो किसी को हमारी परवाह नहीं होगी। हमें काव्य को हॉस्टल में लाना ही होगा भाई, हमें उन्हें जलाना ही होगा, समझे? चल विक्रम उनके औकात दिखाते हैं, अगली बार काव्य के करीब आने से भी उन लोगों को सोचना पड़ेगा। चल रहे सोच कर रहा है। ओके ओके सुनो, तुम रोज बियर क्यों पीते हो? क्यों मतलब, पीऊंगा तो हाई होता हूँ। क्या मतलब? हाई मतलब किक। मतलब? अरे वो नशे वाली फीलिंग होती है ना एकदम, जिससे मन शांत हो जाता है, दिल की धड़कने बढ़ती है और नींद भी अच्छी आती है, फुल पॉजिटिव वाइब्रेशन, खुशी हो जाती है और चिल भी होते हैं। रियली? इन चीजों के बिना भी तुम हाई हो सकते हो? रॉकी कम? हो सकता है मे बी कम, तुम्हें यहाँ पर किस करके नेचुरली हाई हो जाऊँ मैं, कोशिश करें क्या? वाह सो स्मार्ट। हाँ सीरियसली काव्या, पता है मुझे कब से ये करना था जानती हो? ऐसे देर रात को फुल मून में, तेज बारिश में, पूरी तरह बारिश में भीगने के बाद एक खूबसूरत सी लड़की को किस करना कैसा लगता है, मैंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया यार। सब सही है ना? लेट्स किस। काव्या काव्या प्लीज यार। सुनो सुनो, दोनों को एक जैसा महसूस होना चाहिए, सिर्फ तुम्हें नहीं, तभी तो परफेक्ट मोमेंट होगा। अरे यार हमेशा यही बोलती हो, जाओ कहाँ पर? अरे प्लीज तो किस है यार, प्लीज प्लीज। Oh!
हमारे साथ आओ। मुझे क्यों आना होगा? तो भाई हमारे साथ स्टेशन ही आना होगा, समझे? मुझे कोई और काम है, तुम लोग जाओ। क्या काम है? हमारे साथ आओ। काव्या तुम घर चले जाओ। अक्षय काव्या तुम चले जाओ, तुम्हें सर्दी लग जाएगी, बुखार हो जाएगा। काव्या तुम जाओ, मैं बाद में आता हूँ। इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते सर। मुझे लगता है कि तुम्हारा प्लान काम कर गया। उसे वो बहुत बुरी तरह से पीट रहा है, लगता नहीं वो अगली बार कावे के नजदीक भी जाएगा। ये तो अच्छा है, ख्याल रखना अपना। क्या हुआ, आपने अक्षय को अरेस्ट क्यों किया है? अक्षय मेजर भी नहीं है, वो काव्या नाम की किसी लड़की के साथ इलीगल तरीके से साथ में रहता है। ये इन मेडिकल स्टूडेंट्स ने कंप्लेंट की है। लिव इन रिलेशनशिप में दोनों को 18 साल का होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। ये दोनों 18 साल से बड़े हैं, उसे अभी रिलीज करिए। चल मारा। रिडिक्यूलस है और कानून के खिलाफ। आप मेरे क्लाइंट को मार कैसे सकते हैं? पहले आप लोगों के खिलाफ केस फाइल करूंगा। आपने उसे मारा कैसे? वो पब्लिक प्लेस में बदतमीजी कर रहा था। वो रोड पर किस कर रहा था? वो आपकी तरफ चीप नहीं है, दोनों स्टूडेंट्स हैं। ये डॉक्टर है और वो एक इंजीनियर। आपने उसे हाथ कैसे लगाया बताइए, अकल नहीं आपको? अबे मैंने देखा और मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम लोग कितने पढ़े लिखे होने का पढ़ाई करने का क्या फायदा? कुछ और बोला ना इसे दोबारा मारूंगा। तो गई है यार, अगर दोबारा हाथ उठाया तो स्टेशन में आग लगा दूंगा। हम दिखा देंगे कि स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, समझ गए? और बी टाइप, ओके। अरे यार मैं ये सब याद नहीं रखता, मुझे सिर्फ एक ही टाइप पता, वो है सी टाइप। वो क्या है? चिट्स टाइप। ए, उठो, मैंने कहा उठो। सर ये मेरा नहीं है, मेरे। चलो क्लास के बाहर जाओ, चलो निकलो। क्या कर रहे हो? उन्होंने चिट पकड़ लिया, अब देखते हैं कैसे पकड़ेंगे। लव यू अर्पल। सॉरी मैडम, प्लीज मैडम, प्लीज मैडम, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जॉब करके उसकी शादी करनी है, प्लीज मैडम। मैंने कहा आउट। ये क्या हो रहा है? अरे भाई मैं तो पूरे टीम में फेल हो गया। तुम तो तीन में फेल हुए हो। यस, इसीलिए यार अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए। मैं चार सब्जेक्ट में फेल हूँ। थैंक्स गॉड, बहुत बढ़िया। हे, तुमने तो जावा मेरे पेपर से कॉपी की थी, तुम लोग अस और मैं फेल हो गया। टैलेंट है यार, इसीलिए अगली बार मेरे पेपर से कॉपी करना। अरे नहीं, गोलू गोलू गोलू, यार तुम तीन सब्जेक्ट में फेल हुए हो तो हमारे रूल के हिसाब से तुम पार्टी दोगे? यार कौन से रूल, कौन सी पार्टी यार? अरे प्लीज यार। अरे मेरे भाई, तुम्हें पार्टी देने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल हुई है। काव्या पार्टी देगी। काव्या काव्या पार्टी पार्टी काव्या 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 पार्टी काव्या पार्टी। बंद करो, बस बंद करो, तुम सब पागल हो क्या? क्या
लोग बोल रहे हो? एग्जाम में फेल हुई हूँ मैं और तुमसे पार्टी मांग रहे हो। तुम लोग स्टूडेंट्स भी हो, मुझे नहीं लगता फेल होने से तुम्हें कोई फर्क पड़ता है, पर मुझे फर्क पड़ता है। हर एग्जाम मेरे लिए जरूरी है, मेरा करियर, मेरे गोल, मेरे सपने सब इसी पर डिपेंडेंट है। तुम लोगों का तो कोई प्लान भी नहीं है, लेकिन मेरा है। तो जरा अकल से काम लो एंड बिहेव मैच्योरली, यूजलेस। कोई आत्मा आ गई क्या? क्या हुआ रे? हे भगवान, हे अक्की, अब वो पार्टी देगी, हम भी तुमसे पार्टी चाहिए। चल चल के बियर लेके आते। श्रुति, ये शीट रीड करो। मैम, द कंप्लेंट्स इंक्लूड एब्डोमिनल पेन, डार्क यूरिन, फीवर, जॉइंट पेन, येलोइंग ऑफ स्किन एंड जॉन्डिस। काव्या, मैम ट्रीटमेंट क्या होगा? सिरोसिस के लिए रिबावरिन और एंटीकैफरिन, और लिवर सेल्स इन्फ्लेमेशन रोकने के लिए एंटाफेरॉन अल्फा 2 भी देना चाहिए। ये गलत है मैडम, बॉडी में कॉपर की मात्रा ज्यादा होने की वजह से लिवर डैमेज हो रहा है। अगर हमने रिबावरिन दिया तो उसे नोजिया या मसल पेन, मेमोरी लॉस तक हो सकता है, यहाँ तक कि उसकी मौत 24 घंटे के अंदर हो जाएगी मैडम। गुड जॉब विक्रम, तुम्हें क्या हुआ है? काव्या, तुम इतनी अच्छी स्टूडेंट हो, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रही हो? मैम, आई एम सॉरी, मैंने तुमसे ऐसी गलती की उम्मीद नहीं की थी। कम से कम अब तो ट्रैक पर आ जाओ और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ओके ओके मैम। काव्या, आज के लिए बुरा मत मानो, और वेरी सॉरी जो मैंने अक्षय के साथ किया वो नहीं करना चाहिए। तुम्हें तो पता ही है ना, एलआईटी कॉलेज वालों ने दीप्ति को परेशान किया था, जिस वजह से वो टूट गई थी। और कुछ साल पहले तो लावंडिया नाम की लड़की का भी करियर खराब कर दिया था। मुझे लगा तुम्हारे साथ ऐसा ना हो जाए, इसलिए मैंने ऐसा किया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। Okay. मैं तुमसे वैसे भी बात करना चाह रहा था, तुम एग्जाम में फेल हो गई थे, मुझे सदमा लगा, शायद फोरेंसिक था ना। अगर तुम्हें मदद चाहिए तो मैं हूँ। चलो अब लड़ाई छोड़कर ईगो को साइड में रखते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं अक्षय से माफी मांगूंगा और हम पहले की तरह दोस्त बन सकते, हम साथ पढ़ेंगे। प्लीज, मैं पुराने दिनों को याद करता हूँ। इन हनी बीज को देखो, कैसे बल्ब को छूने से ही मर जा रही है। काव्या, इन्हें देखो तो, मर रही है एक के बाद एक। काव्या, काव्या, क्या हो गया यार? बस एक सब्जेक्ट में फेल हुई है, कैसे रिएक्ट कर रही है मुझ पर, कैसा व्यवहार किया मेरे साथ? पता नहीं, हमारी तरह फेल होती तो कैसे रिएक्ट करती यार वो। फिर सोचो, दो दिन हो गए यार, साथ खाते नहीं है, साथ बात नहीं करते, मैंने तुमसे किस तक नहीं किया है। तो सक्सेसफुल रिलेशन का सिर्फ एक ही हल होता है, मैं बताऊंगा ना क्या वो है, क्या वो? है माय डियर बॉयज, ये हर इंसान की जिंदगी का बहुत ही खास लेसन होता है, इसलिए ध्यान से सुना। अगर लड़का गलत है और लड़की सही है तो लड़के को उससे माफी मांगनी चाहिए, अगर वो गलत है तो, और लड़का सही है तब भी लड़के को ही माफी मांगनी चाहिए, अगर दोनों गलत हुए तो, तब सिर्फ लड़की को माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा मेरे बच्चे। अच्छा तो जाओ उससे माफी मांगो, उसे तरस आएगा और वो बात करेगी। बस इतना ही है क्या?
इसे प्रैक्टिस करो, इससे हेल्प मिलेगी। यार तुम तो सिंगल हो, तुम्हें ये सब कैसे पता है? हाँ यार, कोच कभी खुद नहीं खेलता, स्टूडेंट खेलते हैं उसके लिए। रॉकी गो गो या काव्या देखो, काव्या देखो, काव्या देखो। काव्या? हाँ वो मुझे I'm sorry. मैं जिंदगी में पहली बार फेल हुई थी, इसलिए वैसे रिएक्ट कर दी। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं ही बस थोड़ा डिविएट हो गई थी। तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा, है ना? मैंने तुम्हारा बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। I'm so sorry. प्लीज अपने दोस्तों को भी मेरी तरफ से सॉरी बोल देना, माफ कर दो ना। और अगर तुम्हारे रूल्स के हिसाब से पार्टी देनी है तो पार्टी करेंगे, मस्ती करेंगे, डांस करेंगे, सबको घर बुला लो। तुम्हें प्रॉन्स बिरयानी पसंद? आओ मेरे साथ आओ। काव्या वो छोटा सा काम आ गया है, तो नरेश ने बोला है, आता हूँ एक मिनट। सुनो ध्यान से। हाँ ठीक है, जल्दी आना। अरे यार ये लो एक पैक लो। ये सब क्या चल रहा है? मैं उसे सॉरी बोलने गया, उसी ने मुझसे सॉरी कह दिया। उसे इतना पछतावा है कि तुम सभी को भी सॉरी का, पार्टी पर भी बुलाया है। पार्टी? वो कब है? वो कितनी मां ने पता है, मुझे चोट लगी तो मेरा इलाज किया, मुझे बचाने के लिए सबके सामने मेरे साथ लिविन में भी आ गई वो रहने के लिए, और फिर पुलिस स्टेशन में भी सबके सामने मुझे किस करके सबका मुंह बंद करवाया उसने। हाँ सही कहा, वो तो ग्रेट है, उसने अपनी ज्वेलरी तक बेच दी है। और वो फेल भी तो मेरी वजह से हुई है ना, मैंने कॉलेज बंक करवाया, मैं उसे बाहर घुमाने ले गया, घर में भी कुकिंग वॉशिंग क्लीनिंग सब कुछ करवाता हूँ उससे, और इतना ही नहीं मेरे कच्छे भी धोती है वो। यार सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, और फिर भी उसने सामने से चल के मुझे ही आकर सॉरी बोला है। बहुत महान लड़की है वो, मेरी शक्ल देख के लगता है कि कोई अच्छी लड़की मुझे मिलेगी। पता है मैं कितना लकी हूँ, इसलिए आज से मैंने फैसला किया है कि उसका ख्याल मैं ही रखूंगा। अच्छा तो बर्तन धोओगे तुम? अरे करूंगा यार, बर्तन धोऊंगा, कपड़े धोऊंगा, घर साफ करूंगा, सारे काम फटाफट मैं ही करूंगा। मुझे लगा था कि भाई तुम शेर हो। ये सब करने वाला ही असली शेर होता है, पता है? वाह सुपर है की। भाषण बोरा नहीं था, लो ड्रिंक पियो। ए भाई मेरे शराब। अरे ये क्या कर रहे हो भाई तुम? तू भी शराब छोड़ दे यार, हमारे सारे पैसे भी खत्म हो गए, मकान मालिक अब पैसे मांगेगा। मैं उस पे पैसों का बर्डन नहीं डालने वाला हूँ, मैं खुद ही कोई काम करूंगा और खुद ही पैसे लाऊंगा। क्या करोगे तुम? ए अक्की क्या तुम कॉल सेंटर में काम करोगे? भाई बिजनेस करो। क्या तुम रात में कैब चलाओगे? कॉलेज के बाहर जेरॉक्स की दुकान भी खोल सकते हैं हम। अरे बंद करना ये बकवास, तू गिटार अच्छे से बजा सकता है ना, यही काम है तो चलो वही करते हैं ना। हाँ सही कहा, हम कॉलेज जब अपने गिटार बजा सकते हैं और वहाँ पर हमें सब कुछ मिलेगा, लड़कियाँ, पैसे, पार्टी, सब कुछ। लेकिन हमें काम कौन देगा यार? भगवान की पूजा करो, हम मेलोडियस एंटरटेनमेंट एक बार फिर से आ गए हैं आपको एंटरटेन करने। प्लीज हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें MM Events। भगवान प्लीज हमें बचा लेना। तो मैरी क्रिसमस, हम इस इवेंट को शुरू करने जा रहे हैं एक खूबसूरत गाने के साथ। भाई भाई तुम मैं क्या? Yes, I am.
सच कह रहा हूँ, तुमने बहुत अच्छा काम किया। शुक्रिया भैया। कुमारी ये तुम्हारा है। भैया थैंक्स। वो पैसे क्या कहा? मैं कहाँ जाऊंगा, और भी बहुत प्रोग्राम्स हैं, मैं सारे के सारे पैसे एक साथ दूंगा। ओके ठीक है भैया। अकी नाश्ते में क्या चाहिए? गुड मॉर्निंग। ओए, क्या हो गया? पेरेंट्स की याद आ रही है क्या? हाँ बोलो काव्या प्लीज। मैं मॉक टेस्ट पे फेल हो गई, ये सब्जेक्ट बहुत ही टफ है। मॉक टेस्ट ही तो इतना परेशान क्यों हो रही? ये फाइनल जैसा ही होता है। तो फिर ट्यूशन लगवा लो ना। MBBS के लिए ट्यूशन्स नहीं होती। तो फिर अपने दोस्तों की मदद ले लो। विक्रम ने कहा है कि वो मदद करेगा। विक्रम क्या? पढ़ाई के लिए तो है ना, कोई बात नहीं। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं काव्या, मैं पढ़ाई छोड़कर तुम्हारी हर चीज में मदद कर सकता हूँ। लेकिन तुम्हें तो विक्रम पसंद नहीं है। तुम्हें डॉक्टर बनने से कोई रोक नहीं सकता है, पता है? तुम बहुत ही अंडरस्टैंडिंग हो गए हो। अक्षय बहुत बदल गया है, क्लीनिंग कुकिंग वो सब कुछ खुद कर रहा है। सच में? और तो और पता है क्या, उसने एक रॉक बैंड भी ज्वाइन किया है। वो इवेंट्स और प्रैक्टिस में बहुत बिजी रहता है, वो बहुत मेहनत कर रहा है। मुझे भी एक अक्षय जैसा बॉयफ्रेंड चाहिए। एकदम कमाल, सुपर, तुमने बहुत अच्छा गाया। मेरा अक्षय इतना टैलेंटेड है, नजर ना लगे। मुझ में इतना टैलेंट कहाँ है? ऐसा क्यों बोल रहे हो? अपने बैंड मेंबर्स के साथ एक नया गाना बनाओ और वो गाना सुपर हिट होगा और फिर तुम्हारे बहुत सारे फैंस होंगे। तुम्हें मेरे लिए और मेरे बैंड के लिए बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन की है, प्लीज इसे मत करो यार। देखो पहले खुद का एक गाना लिखने की कोशिश करो और फिर देखो कि अच्छा है या नहीं। इतना टाइम भी नहीं है और इतने पैसे भी नहीं है। हाँ? पैसे की फिक्र मत करो, बस एक साल की बात है, फिर मैं डॉक्टर बन जाऊंगी और फिर मैं तुम्हारी हर चीज का ख्याल रखूंगी और तुम अपने म्यूजिक पर फोकस कर सकते हो।
सब संभाल लोगे ना तुम? चलो देखते हैं। हाँ, आजा देखते हैं। मेरा इंस्टा फिल्टर तुम हो, मेरी स्नैपचैट स्टोरी तुम हो, मेरी स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट तुम हो, मेरी पबजी। तुम यहाँ पर बैठकर उसके लिए गाना लिख रहे हो और वो वहाँ पर विक्रम के साथ कॉफी शॉप लाइब्रेरी में घूम रहे होगी, पता भी तुम्हें? पढ़ाई के लिए तो है ना, कोई बात नहीं है। तुम समझ नहीं रहे हो। काव्या पर मुझे पूरा भरोसा है, वो क्या है मैं जानता हूँ। अरे भाई तुम तो समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो। काले चश्मे पहन के पूरी दुनिया काली दिखाई देती है, इसीलिए। भैया भैया वो पैसे। ओ, मुझे भी तुम्हें देने हैं, है ना, ये लो। अरे ना क्या है यार ये, मुझे रेंट भरना है, नया गिटार लेना है, कुछ तो पैसे बढ़ाओ यार, इतने कम पैसे दे रहे हो यार। मैं कहाँ जाऊंगा यार, ऑर्केस्ट्रा में तुम्हारा बहुत शानदार करियर है, मैं तुम्हें बहुत सारे इवेंट्स दूंगा, तब तक के लिए इससे ही खुश रहो, ठीक है, एंजॉय। भैया शुक्रिया भैया, बाय भैया। ये सब क्या है, कितने हैंडसम लग रहे हो, और रॉकी को भी रेडी कर दिया। रॉकी, अक्की, आज क्या खास है? काव्य, आज मुझे लाइफ की फर्स्ट इनकम मिली है, इसलिए ये सब किया। सब कुछ एक सपने की तरह लग रहा है काव्या, तुम मुझे खूबसूरत दुनिया में लेकर आई हो, थैंक यू सो मच। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी बड़ा नहीं कर पाऊंगा, आई एम सॉरी काव्या, मगर एक चीज का वादा कर सकता हूं, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, हर दिन मैं तुम्हें स्पेशल फील कराऊंगा काव्या। तुम्हारे पास प्रोटेक्शन है? नहीं है। जाओ ले आओ। भैया कॉन्डम होगा क्या? कौन सा फ्लेवर? कोई भी दे दो। बस बहुत फ्लेवर है, चॉकलेट, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, फुल्पी, वनीला, स्कॉच, एप्पल ग्रीन, एप्पल, पाइनएप्पल, ऑरेंज, बनाना, बताओ कौन सा चाहिए, बोलो।
चॉकलेट वाला दे दो भैया। ये लो बेटा। हाँ मुझे तुमसे बात करनी है। अरे अभी मुझे दूसरा काम है यार, इवेंट के लिए बाद में बात करेंगे। बेटा मैं काव्या का पिता हूँ। पागल है क्या बे? क्रोसिन मांगा कॉन्डम दे रहा है। इडियट। पागल इंसान। बोलिए अंकल। तुम और काव्या सालों से साथ रह रहे हो। अरे अंकल वो सिचुएशन वैसे जब काव्या 10 साल की थी उसकी माँ गांव में इलाज के अभाव की वजह से मर गई। तब उसने ये तय किया कि उसे डॉक्टर बनना है। मैं उसकी पढ़ाई और उसके सपने को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करता था। हाँ अंकल मैं भी काव्या का अच्छा ख्याल रख रहा हूँ अंकल। कैसे? ऑर्केस्ट्रा में गाता हूँ अंकल, पैसे अच्छे मिलते हैं, घर पर सारा काम मैं ही करता हूँ अंकल। हाँ एक और बात, उसकी पूरी जिम्मेदारी भी उठाऊ। तुम उसकी MBBS की फाइनल फीस भी दे दो। फीस कैसे? क्या हुआ? फीस का नाम सुनकर तुम्हारा रंग क्यों उड़ गया? तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, उसका ख्याल रख रहे हो, क्यों है ना? आफ्टर ऑल तुम ये तो कर ही सकते हो। फीस कितनी होगी अंकल? यही कुछ है 14 लाख। 14 लाख बस? अंकल मैं फीस कैसे? तुम्हें मैं बेवकूफ लगता हूँ? मैं तुम्हें एक बात अभी बता देता हूँ, मैं लोन लेकर उसका मेहनत से इंटरेस्ट देकर उसकी पढ़ाई करवा रहा हूँ, समझे? तुम्हें लगता है कि मैं उसे तुम जैसों के साथ देखकर खुश हूँ? अगर वो तुम्हारे साथ है तो मैं फीस नहीं दे सकता हूँ, मेरा दिल नहीं मानता। मुझे पता है तुम वर्स्ट फेलो हो, पर इतना भी बुरा मत मानो कि तुम्हारी वजह से डॉक्टर ना बन पाए वो। सर। अरे तुम कैसे हो अकी बेटा? यहाँ क्यों आए हो? पापा मुझे अर्जेंटली 14 लाख रुपए चाहिए। क्या? 14 लाख रुपए चाहिए। 14 लाख? तुम तो इस घर को छोड़कर चले गए थे और मुझे चैलेंज किया था कि मुझसे पैसे नहीं लोगे। एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ पापा। कैसी प्रॉब्लम? काव्या की MBBS फीस भरनी है। क्या? मेरे साथ रहती है तो मुझे ही भरना पड़ेगा ना। तो भरो। तो मेरे पास पैसे नहीं है पापा, प्लीज समझो पापा, उसकी पढ़ाई रुक जाएगी पापा। मेरा गारमेंट का बिजनेस लॉस में चल रहा है, मैंने लोन भी लिया हुआ है, मेरे पास पैसे नहीं है। पापा प्लीज बात को समझिए पापा, प्लीज पापा। मेरे पास पैसे नहीं है। प्लीज बताओ इसे। उनके पास सच में पैसे नहीं है। मुझे आपसे फीस की बात करनी थी। मैं फीस पे करने के बाद ही एग्जाम दे सकती हूँ, ये सब बेकार चला जाएगा डैड। ओके ओके भैया, पूरी जिंदगी आपके लिए फ्री में गाऊंगा भैया, प्लीज भैया मेरी बात मान लो, मुझे पैसे दे दो भैया, प्लीज प्लीज भैया दे दो ना भैया। कोई फायदा नहीं है, तुम यहाँ अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। अगर काव्या हमारे साथ रहेगी तो मैं फीस पे नहीं कर सकता, प्लीज प्लीज उसकी जिंदगी खराब मत करो। मुझे डॉक्टर बनना ही होगा, उनकी सेवा करना बहुत जरूरी है। हैप्पी बर्थडे अक्षय।
बर्थडे अकील। हैप्पी बर्थडे ब्रो। ये कितना सरप्राइज्ड हो गया ना? हाँ सही है। हैप्पी बर्थडे यार। एक कटो। चलो ब्रो चलो यार। ए हम तुम्हारे इंतजार कर रहे थे। कम ऑन अक्षय। ए कम ऑन अक्षय कम ऑन। ओके कटो। हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरा दोस्त बन गया है ना तो मैं ब्रो चिल ब्रो आज तुम्हारा बर्थडे ये बड़ी मुश्किल से हमने सब कुछ अरेंज किया है यार। और ये देखो ड्रिंक लेते हैं और रिलैक्स करते हैं ना। हाँ चिल मारते हैं ना। बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया तुम लोगों ने। दारू लाए हो केक लाए हो गाने का इंतजाम कर लिया है और यहाँ पर डेकोरेशन भी की है। वाओ वंडरफुल। चलो चलो पार्टी करते हैं। चलो गाना लगाओ नाचते हैं। चलो आ जाओ लेट्स डांस। हैप्पी बर्थडे टू मी। हैप्पी बर्थडे टू मी। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? मेरा बर्थडे है ना मैं नाच रहा हूँ पार्टी कर रहा हूँ। चलो चलो नाचते आ जाओ आ जाओ। हैप्पी बर्थडे टू मी। हैप्पी बर्थडे टू मी। हैप्पी बर्थडे टू मी। पागल हो गए हो क्या? हाँ पागल हो गया। देखो मेरे सर पे लिखा हुआ है मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। वैसे क्यों बोल रहे हो? क्या हुआ बताओ। अरे छोड़ो यार तुम मुझे बेवकूफ बना के तुम दोनों पढ़ाई के नाम पर पूरे गांव भर में घूमते फिर रहे हो उसका क्या? ये सारी बातें मेरे दोस्तों ने कहा तब भी मैंने नहीं माना और अभी तो मेरे घर पर ही सारी दुकान खोल ली है। ब्रो तुम जैसा समझ रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं। तो वो आया बड़ा नेता। यार सबको पता है कि तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है। अकी जबान संभाल कर शायद तुमने पी रखी है। चलो चलकर बात करते हैं। है? तुम लोग गांव भर में घूमोगे और हम लोग जाके अंदर बात करेंगे पर्सनल में। मैं नहीं आऊंगा मैं यहीं पर बैठूंगा। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम तुम हो काव्या। मैंने आंखें बंद करके तुम्हारा भरोसा किया और तुमने इसके साथ मिलके मुझे बेवकूफ बनाया। मैं तो हुई पागल मजाक के लायक हूँ इसलिए तुम मेरे साथ घूम रही थी तब तक। लेकिन इसके पास पैसे हैं ये तुम्हें पढ़ा सकता है इसलिए इसके साथ चली गई। और कल अगर जरूरत पड़ी तो तुम किसी और के साथ निकल जाओगी। तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या कह रहे हो? मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। तुम बिल्कुल कैरेक्टर लेस हो काव्या। तुम्हारे जैसी कैरेक्टरलेस लड़की नहीं चाहिए मुझे। दो साल से हम साथ हैं यही सब सोचते हो तुम मेरे बारे में? अकी प्लीज ट्रस्ट मी मैंने कुछ गलत नहीं किया है। तुम्हें बस विक्रम से प्रॉब्लम है ना। मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी। आई प्रॉमिस प्लीज प्लीज। ये सब बोल के क्या फायदा जब सब कुछ खत्म हो चुका है। उस दिन मुझसे कॉन्डम मंगवाया था मेरे जाने के बाद ये नहीं आया था इसकी क्या गारंटी? मैंने तुम्हारा एक छोटे बच्चे की तरह ख्याल रखा। मैंने तुम्हारा सब कुछ एक्सेप्ट किया। बहुत से लोगों ने मुझसे बहुत कुछ कहा लेकिन मैंने किसी की परवाह नहीं की। मैंने तुम पर यकीन किया और तुमने मुझे गलत साबित किया। तुम नहीं बदल सकते कभी भी नहीं। चीप और इमेच्योर।
कितना अच्छा है यार। यार मैंने तो कभी किसी से प्यार नहीं किया, फिर मुझे ये गाना सुनकर फील क्यों हुआ? क्या सच में पेन महसूस हुआ तुम्हें? अरे लोग इसे सुनेंगे ना तो रोने लग जाएंगे भाई, तो हार्ट ब्रेक एंथम बन जाएगा। भाई हमें जल्दी से एक बैंड बना लेना चाहिए। अब तो हम एक बैंड बना रहे जिसका नाम होगा रबड़ी बॉयज। करते हैं कॉलेज एंड हॉस्पिटल कन्वोकेशन। क्या हम फाइनल ईयर की स्टूडेंट काव्या को स्टेज पर बुला सकते हैं? काव्या को एम्स में फ्री सीट मिल गई है। अब मैं हमारे माननीय प्रिंसिपल मिस्टर भास्कर राव से रिक्वेस्ट करूंगी सर्टिफिकेट देने के लिए। और हमारे चीफ गेस्ट LIT कॉलेज के डीन मिस्टर राजीव को गोल्ड मेडल प्रेजेंट करने के लिए कहूंगी। कांग्रेचुलेशन, वेल डन। और मिस्टर विक्रम, क्या हम उन्हें स्टेज पर बुला सकते हैं प्लीज? इसी के साथ हमारा कन्वोकेशन खत्म होता है। सभी ग्रेजुएट्स को कांग्रेस। अब हम नेक्स्ट कल्चरल इवेंट की ओर बढ़ते हैं। हेलो BMC स्टूडेंट्स, मैं हूं अक्षय और ये है मेरा बैंड राउडी बॉयज। सबसे पहले अपने कॉलेज की तरफ से आप सभी से माफी मांगता हूं। इतने साल हमने आपके कॉलेज में आकर जो न्यूसेंस किया है उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। और आज हमें आपके कॉलेज में परफॉर्मेंस देने के लिए बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रम, इतने सालों से मैंने तुझे बहुत परेशान किया यार। I'm really sorry विक्रम, प्लीज मुझे माफ कर दे यार। यार कॉलेज के पहले दिन पर प्रिंसिपल ने मुझसे एक बात कही थी, कॉलेज हमें सिखाएगा कि हमारी जिंदगी क्या है, लेकिन मुझे जिंदगी क्या होती है सिखाया एक लड़की ने। उसने हमेशा मुझसे एक सवाल किया, कौन हो तुम? ऐसा पूछा मुझे। मैं और आज मैं जो गाना गाने जा रहा हूँ वो गाना भी मैं उसी लड़की को डेडिकेट कर रहा हूँ। पेश है उस लड़की ने मुझे यह बना दिया और मैंने उसे सिवाय परेशानी के कुछ नहीं दिया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी काव्या, कर सको तो मुझे माफ कर दो। देखिए डैड, भी खुद को ही कसूरवार ठहरा रहा है और माफी मांग रहा है, लेकिन वो ये नहीं बता रहा कि हुआ क्या था। डैड, मुझे पता है क्या हुआ था। आप हैदराबाद आए थे और अक्षय से मिले। आपने उसके सामने मेरी फीस देने या मुझे छोड़ने की शर्त रखी। वो पैसे जमा नहीं कर पाया तो वो मुझे छोड़ गया पढ़ने के लिए। मुझे सब पता है, वो एक अच्छा लड़का है डैड। भले ही वो मुझे चाहता था, लेकिन वो मुझे इसलिए छोड़ गया था कि मैं पढ़ सकूं। बस इसीलिए क्योंकि आपने उससे ऐसा कहा था। मुझे उससे बेहतर कोई नहीं मिल सकता। विक्रम, हमारी आइडियोलॉजीज बिल्कुल अलग है। वी आर टोटली डिफरेंट। हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। तुम्हारी फीलिंग्स को ठेस पहुंचाने के लिए आई एम सॉरी। डैड,
क्या तुम अब भी मुझे छोड़ रहे हो? काव्या मैं तुमने मुझे इसीलिए छोड़ा ताकि मैं खुश रह सकूं और सक्सेसफुल बन सकूं, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि मैं तुम्हारे बिना कैसे खुश रह सकती हूँ। तुम शायद मुझे भूल सकते हो पर मैं तुम्हें नहीं भूल सकती। हर लम्हा मैं सिर्फ तुम्हारे ही बारे में सोचती थी। मैंने तुम्हारे सारे परफॉर्मेंस देखे हैं। इनफैक्ट मैं ही वो थी जिसने प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करके तुम्हें यहाँ बुलाया। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। तुमसे एक बात कहूं क्या? मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। एक तुम और एक मैं और कोई नहीं। hey, तुम्हारे लिए मैं और मेरे लिए तुम है ना? चलो ठीक है। श्रुति Sorry, Diti. All the best. All the best. Thank you.